अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम हीरा ग्रुप फैमिली को मेरे तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान है कि आज जनवरी 31 जो है 2023 था। आज सुप्रीम कोर्ट में जो है हमारा आर्ग्यूमेंट था, आर्ग्यूमेंट में SFIO का और हमारा और एक प्रॉपर्टी का मसला जो इससे कॉलोनी का चल रहा है वो उस बारे में था, आप सबको पता ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि SFIO ने रिक्वेस्ट किया है कि एक कमेटी बनाना है, पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना है, क्लाइंट्स को पेमेंट कैसे देना है, तो उसमें एक कमेटी बनाना है और कमेटी को जो है उसमें एक रिटेयर जज होंगे और ED के भी ऑफिशियल ऑफिसर होंगे उसमें और कंपनी की तरफ से भी एक होंगे। तो पूरी इंसाफ की ही बात थी, तो हमें कुछ भी मुझे नहीं लगा कि हमें ऑब्जेक्शन लेना है। बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अच्छे से आर्ग्यूमेंट हुआ और जिस लैंड के बारे में जो है लोग काफ़ी दिनों से झूठ के पेपर लेके बार बार हमारे पास आ रहे हैं कि हमारी है हमारी है, तो आज भी वो सब कुछ भी रिजेक्ट हुआ। और ख़ास कर से जो है बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट जो है हमारे मुकुल रोहित जी सर और रंजीत सर और रावत सर सब लोग मिलकर हमारी लीगल टीम ने बहुत अच्छी फाइट की है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। मैं भी अंदर कोर्ट में थी और आइंदा के दिनों में जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला जो है हमारे मसलों को हल कर देगा। अभी हम मामला हमारे हाथ में नहीं बल्कि कोर्ट के हाथ में है, कोर्ट का जब भी फैसला होगा इंशाल्लाह जिस दिन भी होगा अल्लाह के फजल से जो है सबके लिए खुशियाँ आएंगे, क्योंकि कोर्ट को हमने अपने सोर्सेज बता दिया है, फंड प्रूफ बता दिया है, सब कुछ भी। अभी कोर्ट जिस दिन भी डिसीशन लेगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आसानी हो जाएगी। और मैं सबको दुआओं में याद रखने की गुजारिश करती हूँ और मैं सबको जो है फिर से एक बार अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।